शाहपुरी स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल के प्रांगण में सहोदिया क्लस्टर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नालंदा नवादा से शेखपुरा जिले के सभी एफिलिएटेड स्कूलों के निदेशक और प्रिंसिपल ने हिस्सा लिया। बैठक में मूल रूप से सरकार द्वारा आज यानी शनिवार से 9वीं से 10वीं क्लास का पठन पठान शुरू कराए जाने के फैसले का स्वागत किया गया। बैठक में विद्यालयों के संचालन के लिए क्या रणनीति होगी, कैसे स्कूलों का बेहतर संचालन होगा और बच्चों के स्वास्थ्य पर किस प्रकार ध्यान दिया जाएगा, इन सभी अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। आगत अतिथियों का स्वागत ओपन माइंड बिरला स्कूल के निर्देशक अभिषेक कुमार के द्वारा किया गया, जबकि इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य अनुपमा मिश्रा के द्वारा मंच का संचालन किया गया। हालांकि राज्य सरकार द्वारा शनिवार से 9वीं और 10वीं का क्लास शुरू करने का आदेश दिया गया, मगर इन लोगों ने सोमवार से क्लास शुरू करने का निर्णय लिया। साथ ही CBSE द्वारा आयोजित होने वाली ट्रेनिंग एक बार में विचार विमर्श किया गया। दरअसल राज्य सरकार द्वारा 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं के क्लास शुरू कराए गए हैं और आगामी 16 अगस्त से क्लास 1 का भी क्लास शुरू किए जाने की संभावना है। हम आपको बता दें कि सहोदिया क्लस्टर नालंदा नवादा से शेखपुरा इन सभी जिलों के 71 एफिलिएटेड स्कूलों का संगठन है, जबकि अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए RPS ग्रुप के चेयरमैन एवं क्लस्टर के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए विद्यालय के पठन पठान को कोविड गाइडलाइन के अनुसार चलाने की बात कही। सचिव आशीष रंजन ने कहा कि हमारे जितने भी विद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, यहां तक कि वाहन चालकों का भी कोविड का दोनों डोज किया जा चुका है। इस मौके पर कैम्ब्रिज स्कूल के निर्देशक एवं क्लस्टर के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार तृतीयाकर, महावीर विद्या मंदिर पावापुरी के निर्देशक एवं क्लस्टर के कोषाध्यक्ष कौशल किशोर, करियर पब्लिक स्कूल के निर्देशक संजय कुमार, संस्कार पब्लिक स्कूल शेखपुरा के निर्देशक विनोद कुमार, गोल्डन वन पब्लिक स्कूल के निर्देशक वीरेंद्र कुमार, राजमेरी लेडी स्कूल के निर्देशक मोहम्मद रिजवी, विद्यापति ज्योति भातु, बीगा के निर्देशक विकास कुमार, मानस भूमि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निर्देशक अनीता सिंह, नवादा विद्य ज्योति और मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के निर्देशक और प्राचार्य सहित कई विद्यालयों के निर्देशक मौजूद थे। आफ्टर लॉन्ग टाइम इट वाज ए अवेटेड मीटिंग डन बाय सहोदिया नालंदा सहोदिया क्लस्टर। हम लोग ने बहुत दिनों के बाद एक मीटिंग किया है, चूँकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा था, सारे स्कूल्स बंद थे और फाइनली सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है और 11वीं 12वीं क्लासेस चल रही थी, लेकिन 7 तारीख से क्लास 9 10 क्लासेस शुरू करने की कोशिश की गई है और 16 तारीख से 16 अगस्त से 1 20 क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। मैं सरकार के इस स्टेप का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इसी क्रम में सहोदिया में हमारे करीब 71 स्कूल इसके मेंबर हैं, नालंदा नवादा और शेखपुरा को मिलाकर। हम सभी की एक मीटिंग थी, इस मीटिंग का मेन स्टडी ये था कि स्कूल को किस तरह से स्मूथली रन करवाया जाए और किस तरह से सभी स्कूलों का उदय हो, चूँकि हमारे बच्चे 1.5 सालों से स्कूल नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में, उनका स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए, कौन से तरीके अपनाया जाए ताकि बच्चे को घर जैसा माहौल मिले और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हम लोग स्कूल को खोलें ताकि बच्चों की जो पढ़ाई अधूरी रह गई है वो सही तरीके से हम लोग पूरा कर सकें एक सुरक्षित माहौल में, सुरक्षित वातावरण में। और हम सभी स्कूल्स सहोदिया जुड़े हुए सभी स्कूल्स कमिटेड हैं बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देने में, बच्चों को अच्छा क्लास देने में, और गार्जियन को भी श्योर करना चाहेंगे, पेरेंट्स को श्योर करना चाहेंगे कि आप बच्चों को एकदम निसंकोच स्कूल भेजिए और स्कूल पूरी सुरक्षित वातावरण में आपके बच्चों को पढ़ाई देगा और जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने तय किए हैं उसको 100% हम लोग फॉलो करके स्कूल को चलाएंगे ताकि आपके बच्चे भी सेफ रहें। हमारी सभी स्टाफ ने वैक्सीनेशन दो वैक्सीनेशन करवा लिया है और डेफिनेटली आने वाले समय में जब बच्चों का वैक्सीनेशन होगा तो उसको भी स्कूल वाइज करवाया जाएगा। आप बच्चों को भेजें और ऐसे भी ICMR ने कहा कि छोटे बच्चों को कहीं से कोई डर नहीं है, आप अपने बच्चों को भेजें ताकि उनकी एक्टिविटी जो बंद थी 1.5 सालों से वो फिर से शुरू हो जाए और बच्चे पूरी तरह से एक आज़ादी के माहौल में सांस ले सकें। थैंक यू वेरी मच। 7 तारीख से स्कूल खोलने का आदेश किया गया, तो जैसे स्कूल खोल रहे हैं तो उसके वर्चुअल क्लासेस वो जारी रहेगा या फिर उसे बंद कर दिया जाएगा? ऑनलाइन क्लासेस बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, अगर बाय द वे अगर कोई बच्चा बाहर है और गार्जियंस का उसको फीडबैक हमने भेजा है, सभी स्कूलों ने भेजा है फीडबैक, उसमें लिख कर देना है कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड फॉर ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज।
अगर मान लीजिए कि वो ऑनलाइन क्लासेज ही डिमांड करते हैं तो एकाध सेक्शन ऐसा होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करें जो बच्चे दूर हैं या कहीं गांव पर पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ऑफलाइन क्लासेज फार बेटर देन ऑनलाइन क्लासेज। तो आप सभी का स्वागत है और सोमवार से बिल्कुल एक नए वातावरण में और नए हाइजीन में आप सभी आइए। बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि अब आपका टाइम आ चुका है और हम सभी तैयार हैं आपका स्वागत करने के लिए। देख पा रहे हैं कि नालंदा सहोदया क्लस्टर की मीटिंग थी। हमारे नालंदा, शेखपुरा और नवादा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर डायरेक्टर्स आए थे इस मीटिंग में। और चूँकि अब हमारा स्कूल खुलने वाला है गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत, तो सारे डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स मिल करके हम लोग डिसाइड करने के लिए कि क्या हमारी रणनीति होगी, कैसे स्कूल खोले जाएंगे, क्या हम कोविड गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि CBSE जो भी ट्रेनिंग्स करा रही हैं तो उसमें हम कितने बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारी मीटिंग थी। और भी बहुत सारे एजेंडा डिस्कस किए गए जिससे कि हम ये सहोदया के तहत जो हम हैं, हम सब मिल करके एक साथ राइज करें, राइज अगेन टुगेदर। सो दैट वॉज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द डायरेक्टर्स, ऑल द प्रिंसिपल्स हु हैव कम टू आवर स्कूल। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ओपन माइंड्स ऑफ बिरला स्कूल ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग इन द कैंपस। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल, माई हार्टफुल थैंक्स टू ऑल द पीपल हूसोएवर केम टू माई कैंपस एंड थैंक्स टू द मीडिया पीपल ऑल्सो। माई नेम इज़ अनुपमा मिश्रा, आई एम द प्रिंसिपल ओपन माइंड्स ऑफ बिरला स्कूल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या तैयारियां? नालंदा सहोदया क्लस्टर सारे एफिलिएटेड स्कूल का एक एसोसिएशन है जिसमें नालंदा, नवादा, शेखपुरा ये सारे जिलों के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल के प्राचार्य निदेशक थे वो आज की इस मीटिंग में सम्मिलित हुए। गवर्नमेंट का गाइडलाइन आ चुका है 7 तारीख से स्कूल खोलने का, लेकिन सभी जिलों में जितने भी अफिलेटेड स्कूल्स हैं वो 9 तारीख से रीओपन हो रहे हैं, मैंने मंडे से खुल रहे हैं। सरकार का प्रोटोकॉल जो COVID-19 के रिगार्डिंग दिया हुआ है वो सारे चीज़ को पालन करते हुए क्लास 9 to 12 स्कूल चलेंगे। सबसे प्राथमिकता विद्यालय प्रबंधन की होगी, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर हैंड सैनिटाइजर से लेकर के मास्क, जितने भी गाइडलाइंस हैं सभी को फॉलो करना अनिवार्य होगा विद्यालय में, विद्यालय कैंपस के अंदर में। साथ ही साथ विद्यालय के जितने भी टीचर्स होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे, ड्राइवर्स होंगे, जो भी इम्प्लाइज होंगे वो सब कोविड वैक्सीन दोनों डोज सभी को लेना अनिवार्य है। CBSE से भी पूछा गया था विद्यालयों से कि आपके विद्यालय के कितने स्टाफ को वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसका रिपोर्ट सारे विद्यालय CBSE को भेज चुके हैं। करीब करीब जितने भी स्कूल्स हैं उसके सारे टीचर्स, स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी को वैक्सीनेशन लग चुके हैं और सभी लोग आश्वस्त हैं। और सुरक्षा सबसे पहला जब जिम्मेवारी होगी विद्यालय प्रबंधन की और COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही विद्यालय का संचालन हो। और भी बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कशन हुए हैं जो हमारे प्रेसिडेंट अरविंद सर ने डिस्कस किया, एजेंडा जो आगामी सत्र जो चलेगा अभी उसके रिगार्डिंग जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज सारे एक्टिविटीज़ पे आज की मीटिंग में डिस्कस किया गया। धन्यवाद। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsahi.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के